हैं। क्या था? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है ऋषि पंचमी। जैसे कि कल थी गणेश चतुर्थी, तो आज है ऋषि पंचमी। लगभग सारी औरतों को पता होगा कि आज ऋषि पंचमी है, क्योंकि हम सारी औरतें आज करती हैं ऋषि पंचमी का व्रत। क्योंकि जो भी लड़कियां पीरियड्स में होती है, यानी माहवारी में होती है, उनको ये व्रत करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते हैं कि हम पीरियड्स में जो भी पाप करते हैं, उनका ये ऐसा व्रत है जिसमें हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। सुबह जब मैं नहाई, तब नहाने में मैंने गंगा जल डाला था और बाल भी धोए थे आज। और ये सारे जो रिचुअल हैं, जो बुक में लिखा हुआ है, वैसे वैसे करते हैं। अब ये सब चीजें मम्मी करती थी, इसलिए हम करते हैं। बाकी मैं ऐसी किसी चीज को मानती नहीं हूँ कि कोई व्रत करने से यानी हमारे पाप वगैरह धुल सकते हैं, क्योंकि जो भी है वो हमारे कर्मों पर डिपेंड रहता है। तो आज है ऋषि पंचमी। आज के दिन हम सिर्फ खाएंगे सामा। आज के दिन को सामा पाचन भी बोलते हैं। तो आज हम पूरा दिन सामा ही खाएंगे और हमारा आज पूरा दिन व्रत रहेगा। और जैसे कि पहले ज़माने में तो बोलते थे मिट्टी से बाल धोते थे, नदी पर जाके नहाते थे, पर अभी तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि और अभी फ़िलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी हम जाएंगे मंदिर। मैंने और चिकू ने एक रूटीन और बनाई है कि हम रोज़ जाएंगे मंदिर। तो अभी चलते हैं मंदिर, और एक और मंदिर भी जाना है, वहाँ पर भी अगर सेट हो सका तो वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक, अभी करूँगी मैं गोप्रो से शूट, क्योंकि ये अभी हम जा रहे हैं मंदिर। सो मैं बड़ा वाला कैमरा लेके नहीं जा रही, और मेरा फ़ोन भी ले लेती हूँ। रूम भी थोड़ा मैस हो गया, वो आके करूँगी सही। एंड सबसे मेनली मास्क पहन लेती हूँ। आज मास्क तुमसे मैचिंग पहना है, आज तुमसे मास्क मैंने मैचिंग पहना है। हाँ नहीं, तुम्हारे वाला तुमने पहन रखा है ना। तो ये अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाके आपसे मिलते हैं। अभी हो गए हमारे दर्शन और अब जा रहे हैं घर पर। कल जिस मंदिर में आए थे उसी मंदिर में आए हैं। दोनों जगह पे शिव जी के भी दर्शन हो गए और गणपति जी के भी हो गए, पर गणपति जी का मंदिर था अभी मंगल, तो बाहर से ही दर्शन कर लिए। तो अब चलते हैं घर पे और घर की पूजा और अलग करेंगे अब। जैसे ही मंदिर जाके आए, फिर पता चला कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, तो उस प्रॉब्लम में मैं बिज़ी हो गई, तो इसलिए मैं व्लॉग कर नहीं पाई। और फिर हमको सुननी थी कथा सुनी, और फिर अभी खाया है का फलहार, जो कि आज हम सिर्फ फलहार में सामा ही खा सकते हैं। तो सामा खाया अभी जस्ट, और किचन वगैरह क्लीन किया। आज भाई जी नहीं है, सारा काम एक साथ में बढ़ गया तो इसीलिए। और अभी मैं जा रही हूँ सैलून पर, तो लगभग 3 तो बज गई हैं, सिर्फ 2 घंटों के लिए जा रही हूँ, ऐसी बात हो गई है आज। तो थोड़ा रूम भी क्लीन करना बाकी रह गया है, क्योंकि रूम में मैंने क्लीन किया ही नहीं और मैं सीधा मेरे काम में लग गई थी इसलिए। तो चलिए अब एक बार चलते हैं सैलून पर और फिर आपसे मिलते हैं। अभी क्या धुआंधार बारिश हुई है, मेरे जाना डिले हो गया इस चक्कर में, क्योंकि बारिश आ रही थी, इसलिए मैंने चिकू को कॉल ही नहीं किया था मुझे लेने आओ। अभी हुई है बारिश, थोड़ी सी थम गई है, तो हम चले जाते हैं तब तक सैलून पे। तो पिछड़ी सीट बहुत गीली है ना यार, मेरे क्या मस्त हरियाली हो गई एकदम। बारिश आते में एकदम ज़्यादा है ना, क्या होता था, पत्ते धुल जाते हैं। हाँ, मिट्टी चली जाती है। हाँ दिख रहा है, जोरदार बोल भी जैसा हो गया। अभी जा रहे हैं हम हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि आज मेरे 100 व्लॉग्स पूरे हुए हैं और आज शनिवार भी है, तो हमने सोचा क्यों ना मंदिर जाया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ ऋषभ देव के पास में ही है आमलिया चौड़, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ का व्यू है बहुत ही अच्छा, चलिए देखते हैं वहाँ पे कैसा है अभी मौसम, क्योंकि बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है इसलिए। अभी आने वाली है मेरी स्कूल, जहाँ से मैंने स्टडीज़ की है वो, और मुझे मेरी क्लास भी दिख रही है यहाँ से। ये रही मेरी स्कूल, देखिए अभी तो सिर्फ प्रॉपरली यानी गेट ही दिखा होगा, इतने अच्छे से नहीं दिखी थी, पर यहाँ पर आते में यानी जितनी भी मेमोरीज है वो सारी हूँ एकदम रिवाइंड हो रही है। और मैं इस रोड पे काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, काफ़ी टाइम यानी 3-4 साल बाद कुछ आ रही हूँ इधर साइड। तो
मज़ा आया देख के। अभी जा रहे हैं बस के मंदिर, और क्या मस्त वेदर हो रहा है, शानदार, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। और इस वेदर में गाड़ी लेके निकलने का भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि बारिश नहीं है, इसलिए बारिश होती है तो वो एक ब्लॉक था ना मेरा जो बिजली वाला, वो याद आ जाता है। अभी कुछ ज़ोरदार सा सीन देखने मिला है, ये बादल इतना नीचे है, ये पहाड़ भी लगभग नीचे ही लग रहा है, पर बादल इसके एकदम छुआ हुआ है, तो लग रहा है बादल एकदम नीचे है। अच्छा दिख रहा है यार, क्या मस्त मौसम लग रहा है, एकदम पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी। अपन को कभी कभी आना चाहिए अच्छी जगह इधर साइड भी। आ गए हैं हम मंदिर, और अभी जस्ट चिकू करेंगे यहाँ पर गाड़ी पार्क, और फिर हम जाएंगे मंदिर। मंदिर में थोड़ी सी भीड़, यानी मुझे कैमरा ले जाना थोड़ा सा लगेगा अनकम्फर्टेबल, पर देखती हूँ फ़ोन से शूट करूँगी नहीं तो। यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस जगह से हमारी काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई है। मेनली 8 से 9 साल पहले जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो और हम दोनों के एग्ज़ाम थे, तब हम दोनों जने यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी वो सारी मेमोरीज जो भी है वो अच्छे से रिवाइज हो गई है, वो दिन यानी बीत गए और वापस उनको जी के और मज़ा आ रहा है, और दोनों जने अकेले ही हैं इसलिए ज़्यादा एकदम याद आ रहा है। और काफ़ी एकदम हाइट पे था, सीधी हाइट पे था, इसलिए मेरी सांस थोड़ी ज़्यादा फूल गई है, और बहुत अच्छा वेदर है साथ में ही। अब मिलते हैं आपसे गाड़ी के अंदर जाकर। अभी आ गए गाड़ी में, मंदिर में काफ़ी भीड़ थी इसलिए वहाँ पर शूट नहीं किया, थोड़े बहुत जो भी मैंने फुटेज ली है वो मेरे फ़ोन से ही ली है। और जैसे कि मैंने बताया, क्या था क्या था पत्थर, अच्छा जैसे कि मैंने बताया 8 साल पहले हम लोग यहाँ पर मिलने आए थे, और वो सारी मेमोरी है वो याद आई, काफ़ी मज़ा आया। और शादी के बाद वो सब चीज़ें याद आती है और ज़्यादा मज़ा आता है, पहले इतना पता नहीं चलता था, पहले ठीक है ना, पर जितनी मेमोरीज पुरानी होती है उतनी ज़्यादा प्यारी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो अब हम जाते हैं बैक टू वर्क, वापस से शॉप पर जाएंगे, क्योंकि शॉप से ही आए थे हम डायरेक्ट, पर कुछ कह नहीं सकते, मम्मी बाहर गए हैं आज, तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए, इसलिए मैं ही हूँ घर पे, तो सब्ज़ियाँ वगैरह सब लेके मुझे जानी है, क्योंकि सब्ज़ियाँ सारी ख़त्म हो चुकी है, और अभी कुछ भी नई सब्ज़ी आई नहीं रही है, सिर्फ भिंडी देखने मिल रही है, तोरी देखने मिल रही है, और लौकी, ये 3 ही सब्ज़ियाँ देखने मिल रही है, तो ये खा के हो चुकी है बोर। आज जाऊँगी मैं मार्केट, तो मैं देख के कुछ अच्छा दूसरा लेके आऊँगी, ताकि भाई यार बिल्कुल खाना ही नहीं भा रहा है, और आज तो वैसे ही मेरे खाना नहीं है, सिर्फ सामा ही खाना था, सुबह बना दिया था ज़्यादा, वो ही रात को भी काम आ जाएगा, थोड़ा सा और खा लेंगे। और चिकू के भी है आज व्रत, तो चिकू भी थोड़ा सा सामा ही खा लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि पति को भी खिलाना ज़रूरी रहता है सामा, मम्मी ने बोला था पापा को भी थोड़ा सा खिला देना और चिकू को भी खिला देना, तो आज चिकू और पापा दोनों को शाम को थोड़ा सा सामा दे देंगे, और चिकू के व्रत है तो सामा यानी वो यानी फलाहारी की तरह ही काम आ जाएगा, पेट भी भर जाएगा, और बना भी अच्छा था, और अच्छा लगता है सामा, काफ़ी हल्का भोजन है ऐसा लगता है, भोजन तो क्या फलाहार है, तो बिल्कुल हल्का हल्का लगता है। अब घर पहुँच कर आपसे मिलते हैं। क्या मौसम हो रहा है, थोड़ी सी धूप निकली और बाकी सारी छाया ही छाया है, पूरी जगह छाया, और बारिश भी गिर रही है साथ साथ में, अभी तो नहीं गिर रही है, पर जहाँ से बादल हट गए हैं वहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही है। अभी हो गया है मेरा डिनर, और डिनर में भी हमको सेम ही सामा ही खाना था, क्योंकि सामा हम 2 टाइम खाते हैं, फलाहारी है इसलिए 2 टाइम खा सकते हैं। और आज आप में एक मिनट, फ़ोन भी बहुत डिस्टर्ब कर, मुझे DM आ रहे हैं कि लाइव व्लॉग करो, अब लाइव व्लॉग मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मुझे यानी सजेस्ट करो यार, मुझे DM करो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और आज था मेरा 100वां व्लॉग, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए व्लॉग कर रही हूँ, और 100 तक मैं आ गई हूँ, वीडियोज़ और अलग हैं, पर
मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये। और आज मैं कुछ स्पेशल करने का सोच रही थी चिकू और मैं दोनों जने, पर आज सारा बारिश ने बिगाड़ दिया मौसम। और कुछ दिन में पर आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़, मेरे लिए नहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ एक आने वाली है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसके साथ। कुछ इंटरेस्टिंग ही है आज का व्लॉग। अगर यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए और सब्सक्राइब का भी बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन का भी दब जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ व्लॉग्स आ रहे हैं, देखो 100 हो गए। ठीक है, और कुछ नया अगर आप हम दोनों को कुछ चैलेंज देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हम दोनों चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको दिखाने के लिए रेडी है आपको क्या देखना है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। और शॉप करो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कर लो डाउनलोड और शॉपिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब धीरे धीरे फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो फेस्टिव सीज़न के साथ अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आने वाले हैं। बाय।